इनके 4 बज चुके हैं और हमने गाड़ी काटा करवा के यहाँ रिसीविंग भी जमा कर दिया हूँ और हमको जो यहाँ पैसा मिलने वाला था 10,000 रुपये वो भी मिल चुका है और ये देखिए नेपाल से बाहर निकलने का एग्जिट पेपर भी मिल चुका है। तो हम लोग निकल रहे हैं और यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर और इंडिया नेपाल बॉर्डर है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग निकलते हैं, बाकी बाहर जाके माल का भी पता करना पड़ेगा क्योंकि लोडिंग भी करना जरूरी है। दुर्गा पूजा है और दुर्गा पूजा के टाइम में अपना फैमिली के साथ में रहेंगे तो पूजा का एंजॉय ही कुछ अलग हो जाएगा। दोस्तों अभी हम लोग इंडिया में आ चुके हैं और ये देखिए इंडिया बॉर्डर पे भीड़ का नज़ारा, इतना भीड़ है यहाँ बॉर्डर पे कि कहना नहीं है, दुर्गा पूजा को लेकर पूरा ही भीड़ है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग इंडिया में सही सलामत पहुँच गए हैं और हमारा लोडिंग कन्फर्म हो गया है। तो हमको उच्च आहार से लोडिंग मिला है आलू रांची के लिए, तो अब जा रहे हैं आलू ही लोड करेंगे क्योंकि बंगाल में आज से नो एंट्री लगा दे रहा है और आज से लेके 30 तारीख तक लगभग नो एंट्री रहेगा। तो दोस्तों आज एक खुशखबरी भी है कि आज हमारा YouTube फैमिली 9,000 के हो गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो भाई अभी सुबह बज रहे 9 और हम लोग नेपालगंज पार्किंग से 15 किलोमीटर आगे कोहलपुर में आए हुए हैं और ये देख सकते हैं सिद्धार्थ हार्डवेयर, तो यहीं हमारा गाड़ी खाली होगा। और ये देखिए अभी सुबह सुबह का नज़ारा कितना ही सुंदर है क्योंकि रात में बारिश हुआ था तो मौसम बहुत ही सुहाना किया हुआ है और हल्का हल्का ठंडा भी लग रहा है। और ये देख सकते हैं बाएं साइड में पूरा नेपाल का पहाड़ आपको दिखता होगा, थोड़ा दूर में है पूरा पहाड़। तो ठीक है दोस्तों, अभी साहब लोग आने वाला है, लगभग 10 बजे साहब आएगा तो बताएगा कि गाड़ी कहाँ पर काटा होगा क्योंकि इसका 2-3 ब्रांच और है गोडाउन। अब देखिए यहाँ पे खाली करता है या बगल में खाली करेगा, अभी 10 बजे पता चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम और धर्मेंद्र जा रहे हैं चाय वगैरह पीते हैं और जब तक साहब लोग ऑर्डर नहीं देता है तब तक खाना वगैरह हम लोग बना लेते हैं। दोस्तों दिन के भी 10 बज चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं आगे काटा करवाने के लिए और आगे ही हम लोग का गाड़ी खाली होगा। यहाँ पे जहाँ पे लेके आए यहाँ पे गाड़ी खाली नहीं होना है, अब आगे होगा। अब भैया भी साथ में बैठ गए हैं काटा करवाने के लिए और बिल्टी वगैरह सारा रख लिए हैं, तो अब चलते हैं काटा करवाते हैं पहले। और अभी यहाँ पे बारिश हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो मौसम बहुत ही सुहाना किया हुआ है। दोस्तों हमारा गाड़ी का काटा हो चुका है, अब यहाँ से 3 किलोमीटर आगे सिद्धार्थ हार्डवेयर का दूसरा दुकान है तो वहीं पे जा रहे हैं हम लोग और वहीं पे खाली करना पड़ेगा। लेकिन ये माल जो हैदरा से खाली होता है, अब क्या मालूम हैदरा वहाँ पे आया है कि नहीं आया, जाने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है दोस्तों चलते हैं वहीं पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं गोडाउन में, देख सकते हैं यही है सिद्धार्थ हार्डवेयर का गोडाउन। तो अब जाते हैं बिल जमा करते हैं ऑफिस में। दोस्तों फैक्ट्री में हम लोग पहुंच चुके हैं और ये देखिए गाड़ी हमने लगा दिया यहाँ पे और ये देख सकते हैं दुकान का नज़ारा, तो ये गोडाउन ही है और यहीं पे हमारा गाड़ी खाली होगा। तभी हैदरा वाला को आया नहीं है, हैदरा वाला आएगा तभी गाड़ी खाली होगा। तो वो जो सामने पॉइंट देख रहे हैं वहाँ पे हमारा गाड़ी खाली होगा। और चावल देखिए घट गया था तो आधा किलो चावल लेके आए। इधर धर्मेंद्र भाई जो है खाना वगैरह का सब तैयारी कर रहा है। तब धर्मेंद्र भाई क्या हुआ, दाल वगैरह बना? लहसुन छील रहे हैं दाल में डालने के लिए, लहसुन प्याज टमाटर काट कर डाला हूँ। लो चावल आ गया, चावल एक ही गिलास हमारा बचा हुआ था दोस्तों, तो जाके अभी दुकान से जाके चावल ले आए। पहले चावल चढ़ा लो धर्मेंद्र। चढ़ा लेते हैं दोस्तों, मैंने चावल और दाल बना लिया, अब जाते हैं भुंजिया बनाने के लिए। तो आलू काट लिए हैं और इधर मेरा तेल भी गर्म हो चुका है, तो इसमें ये हरा मिर्चा डाल देते हैं। अब इसमें आलू का जो भुंजिया काटे हैं उसको डाल देते हैं। दोस्तों ये देखिए हमारा भुंजिया कितना ही मस्त कलर दे रहा है, लगता है भुंजिया खाने में आज मजा आएगा। दोस्तों दिन के 12 बज चुके हैं और हमने गाड़ी का रस्सी त्रिपाल सारा खोल दिया हूँ, तो रस्सी खोल के हम लोग बक्सा में रख दिए हैं और त्रिपाल दे दिए सूखने के लिए क्योंकि रात में जो बारिश आया था तो त्रिपाल भींग गया था। तो अभी हैदरा आधा घंटा में आने वाला है, तब तक हमारा खाना रेडी हो चुका है और थाली में निकल चुका है। और ये देख सकते हैं धर्मेंद्र भाई जो है खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं, इनका थाली में आलू का भुंजिया दाल और चावल है और ये देखिए मेरा भी थाली में यही सेम टू सेम खाना है। तो धर्मेंद्र खाओ, कैसा लग रहा है खाना बताओ। ठीक ठाक है दोस्तों। दोस्तों दाल भात भुंजिया
और यही खा रहे हैं। कल दाल भात चोखा खाए थे, परसों दाल भात करेला का भुंजिया खाए थे, आज दाल भात भुंजिया खा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमारा गाड़ी आ चुका है गोडाउन के अंदर, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा गोडाउन है, इधर भी सामान रखा हुआ है और ये हाइड्रा आ गया है, तो अब लगता है हम लोग गाड़ी खाली होगा ही। देख सकते हैं सामने हाइड्रा भी है, लगभग लगता है आज गाड़ी हम लोग खाली हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, थोड़ा उधर का सामान हटा रहा है, उसके बाद बोला है खाली करेंगे। दोस्तों दिन के 3 बज चुके हैं और हमारा गाड़ी हो गया खाली, अब चलते हैं काटा करने के लिए और काटा करने के बाद आएंगे, उसके बाद हमको पैसे वगैरह लेंगे, उसके बाद बाहर निकलते हैं। और देखिए साथ में लेबर भाई भी जा रहे हैं काटा करवाने के लिए। सर दादा कहाँ घर है आपका, इंडिया की नेपाल? नेपाल है। नेपाल है? हाँ, तो नेपाली नहीं बोलते हैं आप? क्यों नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। हाँ। चलिए ठीक है, पहले काटा करवा लेते हैं दोस्तों, भाड़ा लेंगे हम लोग। दोस्तों दिन के 4 बज चुके हैं और हमने गाड़ी काटा करवा के यहाँ रिसीविंग भी जमा कर दिया हूँ, और हमको जो यहाँ पैसा मिलने वाला था 10,000 रुपया वो भी मिल चुका है, और ये देखिए नेपाल से बाहर निकलने का एग्जिट पेपर भी मिल चुका है, तो हम लोग निकल रहे हैं और यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर और इंडिया नेपाल बॉर्डर है। तो ठीक है दोस्तों हम लोग निकलते हैं, बाकी बाहर जाके माल का भी पता करना पड़ेगा क्योंकि लोडिंग भी करना जरूरी है, दुर्गा पूजा है और दुर्गा पूजा के टाइम में अपना फैमिली के साथ में रहेंगे तो पूजा का एंजॉय ही कुछ अलग हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों फटाफट निकलते हैं, पहले लोडिंग कंफर्म करते हैं। दाहिने साइड में पेट्रोल पंप है तो यहीं गाड़ी खड़ा कर दिए हैं, अब ट्रांसपोर्टर भाई लोग को फोन लगाते हैं और फटाफट कहाँ का लोडिंग मिलता है उसको डीजल भी यहीं पे भरा लेंगे और वह निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अभी शाम के 7 बज रहे हैं और हमारा लोडिंग कन्फर्म हो गया है, तो हमको उच्चाहार से लोडिंग मिला है आलू रांची के लिए, तो अब जा रहे हैं आलू ही लोड करेंगे क्योंकि बंगाल में आज से नो एंट्री लगा दे रहा है और आज से लेके 30 तारीख तक लगभग नो एंट्री रहेगा। तो हमारा व्हाट्सएप में आ गया है कि इतना तारीख से इतना तारीख और इतना बजे से इतना बजे तक नो एंट्री रहेगा बोल के, तो अभी हम लोग चलते हैं, लगभग यहाँ से 250 किलोमीटर पड़ेगा हमको उच्चाहार, रायबरेली उच्चाहार, तो चलते हैं खाली गाड़ी यहाँ से, फिर वहाँ से आलू लोड कर लेंगे रांची के लिए। तो ठीक है दोस्तों अब निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों रात के भी 8 बज रहे हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं ननपाड़ा पे, और ये देखिए इंडियन ऑयल का पंप है, यहीं पर हम लोग 9,000 का डीजल ले रहे हैं क्योंकि खाली गाड़ी वहाँ तक पहुँचने तक का ही डीजल ले रहे हैं, जब आलू अगर भर लेंगे तो टंकी हम लोग फुल करवाएंगे। ठीक है दोस्तों 9,000 का डीजल लेते हैं और निकलते हैं, बाकी खाना पीना जो है एक आदमी का खाना बचा हुआ है दोपहर का, बाकी एक आदमी खाना घट रहा है, तो चलिए देखते हैं एक आदमी होटल में खा लेगा या फिर उसी में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं और हम लोग बहरा जा पहुँच चुके हैं, तो अभी इधर लोकल एरिया पड़ता है तो इस कारण से नो एंट्री है, नो एंट्री लगने के कारण अभी हम लोगों को रुकना पड़ेगा आधा पौने घंटा, तो
कोई बात नहीं, तब तक देख सकते हैं यही दिन का एक टाइम एक आदमी का खाना था तो वही खा ले रहे हैं। भैया हो सके तो चलाएंगे, तो रात में कहीं अपना रुक के खा लेंगे, अगर हम सो जाएंगे बाय चांस तो ठीक है दोस्तों, खा लेते हैं। दोस्तों रात के अभी 11:30 बज रहे हैं और हम लोग बाराबंकी पार करके हैदरगढ़ वाला रोड में जा रहे हैं, तो हम लोग हैदरगढ़ से फिर रायबरेली निकल जाएंगे और रायबरेली से सनौल मुश्किल से 20-25 किलोमीटर होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी थोड़ा ठंडी लग रहा है इसकी वजह से शीशा वगैरह बंद है हमारा, बाकी हम लोग 2-3 घंटे में पहुंच ही जाएंगे। बाकी धर्मेंद्र भाई तो खाना खा लिया है, अभी हम खाना खाए नहीं है, तो आए को होटल वगैरह मिलता है तो खाना खाएंगे। दोस्तों रात के 1 बज रहे हैं और हम लोग रायबरेली से 20 किलोमीटर पीछे हैं, तो हम लोग होटल में गाड़ी लगा दिए हैं और धर्मेंद्र खाना खा के गाड़ी में ही सो गया है, तो अभी हम आ गए हैं खाना खाने के लिए। और दोस्तों देख सकते हैं आज हमारा सेव भाजी, इधर तंदूरी रोटी, उधर सलाद है। तो आज दोस्तों आज हमारा यही खाना हो रहा है और धर्मेंद्र भाई जो हैं बहुत पहले ही खा के सो गए। दोस्तों होटल से खाना खा के हम गाड़ी पे आ चुके हैं और अब यहाँ से रायबरेली मुश्किल से 20 किलोमीटर दूर है और रायबरेली से लगभग 30 किलोमीटर दूर सलोन होगा, तो सलोन से ही आलू लोडिंग होगा हमारा रांची के लिए। तो दोस्तों आज एक खुशखबरी भी है कि आज हमारा YouTube फैमिली 9000 के हो गया, मतलब हमारे YouTube फैमिली पूरे 9000 का हो गया, तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इसी तरह मुझे प्यार और सपोर्ट देते रहे। तो ठीक है दोस्तों अब यहीं पे गाड़ी लगा के सोएंगे और सुबह सुत उठ के चलेंगे क्योंकि रात भी काफ़ी हो चुका है। तो ठीक है इस ब्लॉग को अब यहीं पेंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, जय हिंद।